व्हाट्सएप में एक नया बदलाव सामने आया। जी हाँ, व्हाट्सएप यूजर्स के लिए एक नया फीचर जारी किया गया है। हाल ही में कुछ दिनों पहले मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने एक नया ट्वीट जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब आप एक ही साथ व्हाट्सएप के एक अकाउंट को चार अलग अलग डिवाइसेस में लॉगिन कर सकेंगे। जी हाँ, एक ही अकाउंट को चार चार अलग डिवाइसेस में लॉगिन कर सकेंगे। पहले तो ऐसा था कि सिर्फ आप मोबाइल फ़ोन और साथ ही अपने डेस्कटॉप यानी पीसी में आप लॉगिन कर सकते थे एक ही समय पे व्हाट्सएप अकाउंट, एक ही अकाउंट। लेकिन अब हाल ही में ये एक नया फीचर जारी किया गया है कि आप एक ही साथ एक व्हाट्सएप अकाउंट को चार चार अलग अलग डिवाइसेस में लॉगिन कर सकते हैं। इसका आपका प्रोसेस ये रहेगा कि जो आपकी प्राइमरी डिवाइस है उसमें आपका एक ओटीपी आएगा। जब आप सेकेंडरी डिवाइस में अपना नंबर, मोबाइल नंबर व्हाट्सएप के एप्लीकेशन पर दर्ज करेंगे तो आपके प्राइमरी डिवाइसेस, जो प्राइमरी डिवाइस है उस पर एक ओटीपी आएगा जो आपको सेकेंडरी डिवाइस पर दर्ज करना पड़ेगा। उसी के साथ आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट है लॉगिन हो जाएगा। अब और साथ ही सोशल मीडिया पर, जब से ये ट्वीट आया है सोशल मीडिया पर ये बात जो है बहुत ही आतंक बन गई है कि अब इस फीचर के आने के बाद काफ़ी ज़्यादा ब्रेकअप होंगे। इसी के साथ मैं श्रुति चावला, ACP नेटवर्क, पानीपत।